जी अभी जो है निश्चित रूप से मायूसी का माहौल है, लेकिन आगे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए मायूसी ये तो खुशी और गम और जीत और हार चलती रहती है। हमारी टीम खेली, बहुत अच्छा खेली, तभी आज उन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला। तो मायूसी तो ऐसा है कि फॉर द टाइम बीइंग होती है, मेरे को भी है, आपको भी है और इंडियन फैंस को भी है, लेकिन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया था, आज अर्जेंटीना के खिलाफ 2-1 का स्कोर रहा है, हमारी टीम ने स्कोर निकाला है और आगे अब होप करते हैं कि जब भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट होगी तो हमारी टीम कामयाब होगी और देश की झोली में मेडल डालेगी। सविता को भारत की दीवार कहा जाने लगा, इस बात को लेकर आप में कितनी खुशी है? देखो खुशी का मोमेंट तो मेरे लिए नहीं, ये किसी अपने भारतीय ने इसको ये संज्ञा नहीं दी है कि भारतीय दीवार। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास भारतीय दीवार है हॉकी की टीम में, तो वो समय समय पर अपना कर्तव्य दिखाती रहेगी और होप के आगे आने वाला मैच और फिर आगे आने वाले टूर्नामेंटों में भी वो अपना इस तरह बखूबी प्रदर्शन दिखाती रहेगी। अभी उम्मीद बाकी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उम्मीद बाकी है उसके लिए, होपफुल कि हमारी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेगी और अच्छा खेल के। देखो जीत और हार इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा जैसा होता है वो सभी जानते हैं, लेकिन होपफुल इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है कि हम इतने बड़े मुकाम पे खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर जैसे अभी टीम ने शुरुआत की, थोड़ी स्लो स्टार्टिंग हुई, उसके बाद में टीम ने पिकअप किया और आज सेमीफाइनल खेला है, बहुत अच्छा खेला है अर्जेंटीना के साथ। और अब नेक्स्ट जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट होगी ग्राउंड पे, उस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम बढ़िया प्रदर्शन करके देश की झोली में एक मेडल तो डालेगी। जी।